Hey guys, Assalamualaikum. Welcome to Samin Hashmi YouTube channel. So this is me, Samin Hashmi. आप सबकी प्यारी सी ब्लॉगर. So कैसे हैं आप सब? I hope that कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, हेल्थ से होंगे और आप लोगों का बहुत अच्छा अटैचमेंट रहा मेरे पहली वीडियो से, पहले ब्लॉग के साथ, पहले रिव्यू के साथ, आईपैक्स कॉल सेंटर के साथ, जिसकी वजह से मुझे ये पार्ट टू रिकॉर्ड करना पा रहा है जस्ट फॉर यू गाइज. और आप सबके कमेंट के आंसर्स दूँगी और आप लोगों को बताऊँगी डैट वाई आई एम नॉट सिलेक्टेड. तो मैंने सोचा उसका पार्ट टू बना लिया जाए, आज मेरे पास टाइम भी था. तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं. मैं लाहौर आईबैक्स में गई थी इंटरव्यू देने, क्योंकि मैं लाहौर ही हूँ, क्योंकि कराची के हवाले से भी कमेंट आया हुआ था. और आईबैक्स की दो कंपेन्स है, उर्दू वाली भी है, इंग्लिश वाली भी है. तो उर्दू के लिए भी उसी रोड में ऑफिस है और इंग्लिश का भी उसी रोड में ऑफिस है, थोड़ा सा डिस्टेंस है बीच में, ठीक है. और दूसरा कमेंट के तीसरा कमेंट ये था कि वो आपको फ्यूल अलाउंस देते हैं, यानी कि आईबैक्स की सैलरी ही इतनी अच्छी है कि उसमें आपका फ्यूल आना जाना वगैरह वो सारा कवर हो जाता है, क्योंकि वो बोनस वगैरह उनका बेसिक पैकेज ही बहुत ज़्यादा अच्छा है. लेकिन वो डिपेंड करता है आपके इंटरव्यू पे, आपके एक्सपीरियंस पे, और फ्रेशर्स के हवाले से वो अलग होगा और एज अ एक्सपीरियंस पीपल वो अलग होगा, ठीक है. और इसके हवाले से ऐसे कौन से सवाल थे जिसका मैंने आपको जवाब देना था, वाई आई एम नॉट सिलेक्टेड, उसका जवाब देना था ना आपको, वो भी मैं आपको देती हूँ. सो द गाइज द थिंग इज़ कि मैं सिलेक्ट क्यों नहीं हुई, मेरी ऐसी कौन सी गलती हो गई थी कि मैं सिलेक्ट नहीं हुई, क्या वहाँ पर एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड था, क्या समीन हाशमी कुछ ऐसा ऐसा हो गया था. लाइक मेरा इंटरव्यू बहुत ज़्यादा अच्छा चल रहा था, लैविश किस्म का साउंड गुड वाला इंटरव्यू चल रहा था, लेकिन एट द एंड ऑफ द इंटरव्यू मैंने बोल दी वहाँ पर थोड़ी सी उर्दू, जिसकी वजह से सारा हो गया मोए मोए सीन. उससे पहले सारा था ओए होए सीन. मैं आपको लोगों को हंस के बता रही हूँ, लाइक मेरे से हंसा भी नहीं जा रहा. खैर, आप लोगों ने मुझसे पूछा था तो मुझे ये ऑनेस्टली बताना पड़ेगा आप लोगों को. इंटरव्यू एंड हुआ तो मेरी सिम का थोड़ा सा इशू आ गया था, उन्होंने कहा सिम हाशमी और सिम इस पता नहीं कौन सा नाम वो बोल रही थी कि उनके नाम पे है, तो मैंने वहाँ पर ना थोड़ा सा कंफ्यूज होकर बोल दिया नो नो मेरी सिम मेरे फादर के नाम है, लाइक उर्दू बोल रही थी. तो मेरे मुँह से ना उस टाइम उर्दू निकल गई थी, लेकिन इंटरनेशनल कंपेन में आपसे थोड़ी सी ऐसी मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, लाइक आप उर्दू नहीं बोल सकते, टोटली इंग्लिश बोल सकते हैं. तो मेरे ख्याल से शायद मैंने उर्दू बोल दी, उन्होंने मुझे इस बेस पर जज कर लिया हो, तो मैं वहाँ पर सिलेक्ट नहीं हुई. खैर, आईबक्स में अगर आप सिलेक्शन ही होती तो आप सीखते हो यहाँ पे सब कुछ. मेरे लिए भी ये न्यू एक्सपीरियंस था, तो वहाँ आपको कॉन्फिडेंस आता है, आपको चीज़ें पता लगती हैं और आप दो महीने बाद वहाँ पर अगेन अप्लाई कर सकते हो. तो आई होप डैट मैंने आप सबके सवालों के जवाब दे दिए. जिसने इंटरव्यू देना था लाहौर आईबैक्स में, उसको मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, अच्छा सा इंटरव्यू दीजिएगा, कोई भी ऐसी बात नहीं. टोटल टाइम कितना था उनका रिक्रूटमेंट का? तो अगर आप फ्रेश हैं तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो मैक्सिमम 10 मिनट्स होंगे. और अगर आप फ्रेश हैं तो फ्रेशर के हिसाब से बता रही हूँ, अगर आपका एक्सपीरियंस है तो वो पूछेंगे आपने क्यों छोड़ा है, उसी रीजंस वगैरह पूछेंगे, उसमें आपको थोड़ा सा टाइम लग जाएगा अपने आपको डिफेंड करने में. तो बस इतना सा ओवरऑल टाइम था, कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत नॉर्मल सा इंटरव्यू आप लोगों को भी देना चाहिए. अगर आप होते या नहीं होते वो आपकी लग गए, आप लोग सीखते हैं वहाँ से और आप नेक्स्ट टाइम अगेन 2 महीने बाद अप्लाई कर सकते हैं. आई होप डैट कि आपको मेरी ये वीडियो भी बहुत अच्छी लगी होगी. समीन हाशमी को दीजिएगा इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.